चलती फैमिली में ना जाने कब क्या हो जाता है और किस मोड़ पर चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक इसी तरह इंदिरापुरम के वैभव खंड जीसी ग्रैंड सोसाइटी में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 सदस्य रहते थे, कारोबारी विनोद गर्ग और उनकी पत्नी प्रीति गर्ग। वह अपने 2 बेटे देवांश और ईशान के साथ रहते थे और इनका दिल्ली में चावल का कारोबार है, लेकिन ना जाने इनकी फैमिली को किसकी नजर लग गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे प्रीति के घर वालों ने पुलिस को सूचना दी कि प्रीति गर्ग ने फ्लैट में छत की पंखे से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट खुला मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर शिला मार्ग गार्डन में रहने वाले प्रीति के मायके वाले भी मौके पर आ गए। मायके वालों ने पति पर प्रीति को मारने पीटने व परेशान करने का आरोप लगाया है और साथ ही प्रीति की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया है। पुलिस प्रीति के पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में आया है कि प्रीति और विनोद ने 12 साल पहले लव मैरिज की थी। प्रीति के मायके वालों ने बताया है कि सोमवार को विनोद ने अपने दोनों बेटों और घरेलू सहायकों को दिल्ली के मायापुरी में रहने वाली बहन के यहाँ भेज दिया था। इससे मायके वालों का शक गहरा हो गया। इंदिरापुरम थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया है कि महिला के पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले में आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस